मध्य प्रदेश में बीजेपी के भीतर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के दौरे के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंचे। इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेताओं ने पार्टी की सियासत का पारा हाई कर रखा है। आज भाजपा के बड़े नेता प्रभात झा अचानक गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंचे। ये दोनों नेता ग्वालियर अंचल से आते हैं, तो जाहिर बात है कि बात सामान्य नहीं है। हालांकि दोनों नेता इसे सामान्य भेंट बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी में भीतर ही भीतर राजनीतिक खिचड़ी पक रही है। प्रभात झा ने दोनों नेताओं की मुलाकात को सामान्य बताया और कहा, मेरी और नरोत्तम जी की मुलाकात अक्सर होती रहती है। अपने गृह मंत्री से सौजन्य भेंट करने आए थे, यह आपका लुकआउट है। आप इस मुलाकात को किस नजरिए से देखते हैं? आप कैसे देखते हैं ये आपका नजरिया, लेकिन हम तो सामान्य अपने गृह मंत्री प्रदेश के वरिष्ठ नेता से सहज भेंट होती है, तो सौजन्य भेंट करने में कोई नहीं। आए हैं, नाश्ता किए, बातचीत हुई, अब हम जा रहे हैं। देखिए, और कहाँ जाएंगे? अगर मैं अपने मंत्रियों के नहीं जाऊंगा, खास करके नरोत्तम जी हमारे ग्वालियर चंबल संभाग के ही हैं, तो ये तो सहज है, सहज प्रक्रिया है। मेरे बड़े भाई हैं ना, पुराना साथ है, स्वाभाविक रूप से हम लोगों की भेंट होती है। मैं भी जाता हूँ, वो भी आते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।